बोल्ट की भी ग्रूमिंग हो रही है। बोल्ट जी जो है चेयर पे बैठ के नहीं करवाते, इनको एक बंदा गोदी पे चाहिए। देखिए बाल कितने हैं इनके, समर सीजन में बाल इतने ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती। वैसे तो हमारे एसी चलता रहता है, कई बार क्या होता है कि लाइट चली जाती है तो फिर फैन ही चलता है, एसी नहीं चलता, तो उसके बाद ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये इनका वही अरेंजमेंट हो रहा है, ये देखिए। बोल्ट की ये फर्स्ट ग्रूमिंग है ना, इसकी ग्रोथ बहुत है, गाइस मैं साफ में रब रब करूं। ये है कि बच्चे सही हो जाएंगे उसके बाद हमें भी चेंज करना पड़ेगा। ये दीजिए इसकी ये पूंछ कैसी है, अरे राम ये क्या ऊन की तरह बनी पड़ी है भाई। साथ में पैम्पर करना पड़ता है, थोड़ा सा बटर भी लगा। बिकेगा ना बिकी, एग्गी एग्गी कर कुछ खाना, एग्गी खाना है जी बोल्ट ने। गई आंखों में पानी आ गया मेरे बच्चे के, आंखों में पानी आ गया बेटा, चिज्जी देंगे चिज्जी, आंखें देखो इसकी पानी आ रहा है आंखों में। ये ज्यादा देर तक लगता है पेशेंस रख नहीं पाएगा। बेटे थोड़े से कटवा लो, गर्मी बहुत है, लाइट जाने का बना रहता है। मेरा बच्चा मेरा लड्डू लो, मुझे लिख कर रहा है मेरा बच्चे। वैसे तो इधर गोद में ले लिया, ज्यादातर मैं क्रीमी को ही लेती हूँ, ये तो छुप जाता है इधर उधर। थोड़ा सा नीचे तक करना, इसके बाल लंबे ज्यादा है। हाँ इसकी ग्रोथ बहुत, ऐसे हिलोगे तो आपकी लुक खराब हो जाएगी बोल्ट। हाँ जन्मदिन 15 दिन से लगोगे। नई सी टी शर्ट मम्मा लेके देगी आपको, फ्रंट पे दिखाना इसको। बोल्टू काम डाउन बाबा, यहाँ पे तो मुझे गुदगुदी हो रही है इसको। कोई बात नहीं हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ले 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 ले, ये क्या हो गया गाइस, ग्रूमिंग करनी भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ये अभी छोटा है, वो तो समझ जाती है लेकिन ये समझ नहीं पाता। अरे अरे क्या हो गया बच्चा को, ये देखिए ये बच्चे ऐसे है उछलते बहुत है। ये जो पॉकेट फॉर्म बच्चे होते हैं ना, ये गाइस बहुत उछलते हैं, बिल्कुल गेंद की तरह। बोल्ट जी गुम्मी गुम्मी जाएंगे, बोल्ट जी नीचे नीचे जाएंगे, एग्गी खाएंगे, रॉयल खाना मेरे बेटे ने। बोल्ट जी आपने कहाँ कहाँ जाना मम्मा शायद, बताओ जल्दी से, चलो गुम्मी गुम्मी करने चले। ओ छत पे एग्गी मिलेगा वहां पे, रूफ टॉप पे, और क्या मिलता है वहां, चिकन भी मिलता है ना आपके लिए। हंस रहा है वैसे तो, गाइस इस मशीन का यही है कि थोड़ा बच्चा हिलता भी है ना तो लगने का डर नहीं है, ये डॉग के हिसाब की है। बैठे थोड़ी लो, मुझे लग रहा है बैटरी कम है इसकी। आज तो क्रीमी जी खुश हो जाएंगी, कहेंगी बोल्ट की बहुत सुंदर हो गई है। हाँ कोई बात नहीं, कैंची से काट लेंगे, सीजर भी तो है। बोल्ट जी आप सुंदर सुंदर हो, आज तो आप करोगे डांची डांची, साथ में करोगे रोमांची रोमांची। तो गाइस ये देखिए अब ये थक चुका है, देखिए इसकी आंखों में पानी आया ना, कैमरा लाए ना आंखों के पास। वही ये अब थक चुका है, लेकिन हम भी अब बस करने वाले हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर घर पे गर्मी होती है, टेंशन नहीं है, बच्चा दुखी ना हो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए इधर के रह गए ना,
गाइस इस चीज को लगता है ये समझ गया है कि आराम से बैठूंगा तो जल्दी दिखाओ फिर दिखाओ बेटा कहाँ घुमाए जा रहे हो मेरा बच्चा मम्मा भर गई सारी बालों से इतने बाल तो मेरे सर पे नहीं है जितने तुम्हारे हैं है बेटा तो गाइस ये देखिए जितना होना था हो गया अब बोल्ट की आंखों में आ रहा पानी तो हम इसको धोते हुए नहीं देख सकते हमने छोड़ दिया इसको तो जाओ कृमि के पास जी लो अपनी जिंदगी जी लो अपनी जिंदगी कृमि जी आपके बोल्ट देखो कितने सुंदर हो गए हैं अब आपकी लग रही है परफेक्ट जोड़ी कृमि एंड बोल्ट मिसेस कृमि एंड बोल्ट आज का व्लॉग यहीं तक की मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय क्रीमी और बोल्ट की तरफ से भी बाय बाय।